धूप कम हो रही है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, जो ठंडे इलाके में रहते हैं मेरे भाई किसान भाई। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोल ऑर्गेनिक फार्म चंडीगढ़। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त, बस नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और धूप कम हो रही है, दिन छोटे होते जा रहे हैं। और हमने इस पे वीडियो बना रहे हैं उसकी वजह है कि जो हम मुर्गी पालन कर रहे हैं मेरे भाई किसान भाई, उन्हें सबसे पहले क्या करना है जो नवंबर में सबसे पहला स्टेप है जो, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये दोस्तों मेरा फार्म है, आप देख सकते हैं, और ऊपर पेड़ लगे हैं, ये इसकी छाया इसके ऊपर हमेशा रहती है सर्दी हो या गर्मी, लेकिन इस वजह से ठंडा रहता है मेरा ज़्यादा फार्म। और ऐसा फार्म किसी मेरे भाई का है या डायरेक्ट जंगल के एरिए में है जहाँ रात को ठंड पड़ती है और दिन में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और भी जो ठंडे इलाके में रहते हैं मेरे भाई किसान भाई, 200, 400, 50, 300, 500 मुर्गियाँ पाली हुई है जिन्होंने, वो ये अवश्य करिए ताकि जो एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा नवंबर में आके, उससे हमारी मुर्गियों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। और जो भी अंडे के ऊपर हमारी फार्मिंग है या चिकन के मांस के ऊपर फार्मिंग है उस पर प्रभाव ना पड़े, प्रोडक्शन कम ना हो और हमारे नुकसान कम हो सके। ये देखिए दोस्तों मेरा फार्म है, ये गर्मी भर मार्च से खुला पड़ा था। ये देखिए जो तिरपाल थी वो 2 साल पुरानी थी, वो मैं लेके आया था, टेम्परेरी थी वो 2 साल, और इस साइड 3 साल पुरानी थी, तो उसको मैंने निकाल के फेंक दिया था, गर्मियाँ भर ठीक था मौसम। और अब इस वक्त आप देखते हैं खुला हुआ है पूरा, और आसपास पूरे मेरे फार्म के सराउंडिंग में जो एरिया जितना भी जंगल है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊंगा, ये पीछे भी जंगल है उधर तक। तो दोस्तों मैं तिरपाल लेके आया था इसके लिए, जो हमने सबसे पहले बांधनी है अपने टेम्परेचर जो रात को एकदम से डाउन जाता है, ताकि हमारी मुर्गियों को ठंड ना लगे, ठंड इनकी बहुत जल्दी भी लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम के बदलने पर मुर्गियों को बीमारी या ठंड का सामना करना पड़ जाता है, जिससे कि किसान भाई को अंडे या मांस उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और घाटे में चल जाता है। तो ये तो दोस्तों खुला एरिया है मेरा, तो मैं आपको पीछे ले जाकर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों ये गोरी है और ये बैंगन है, फेंक रहे थे तो मैंने इसको कटवा रहा हूँ, और ये सभी मुर्गियों को डाल दूंगा। ये घूम रही है मुर्गियाँ झाड़ियों में ज़्यादातर, और उनको खिलाऊंगा मैं। दोस्तों मैं आपको तिरपाल की तरफ ले जाता हूँ, कितने की आई है, कहाँ से मिलेगी, और दोस्तों बजट में है, महंगी नहीं है। ये देखिए दोस्तों आपको ये वाइट तिरपाल दिख रही है, जो ये एक तरफ ही लगा रहा हूँ मैं, अभी कुछ दिन बाद मैं दूसरी तरफ भी लगा के बंद कर दूंगा, और साफ सफाई का खास ध्यान देना है हमारे को एयरेशन का। तो ये देखिए दोस्तों ये 60 फुट लंबी तिरपाल है, मैं इस तरफ बांध दूंगा ऊपर की तरफ किनारे किनारे, ये देखिए किनारे से इधर की तरफ बांध दूंगा, इधर इसका एक सिरा, ये देखिए दोस्तों ये रस्सी से मैं इसको बांध दूंगा और खींच के उधर तक तान दूंगा, ताकि जो रात को हवा चलती है और टेम्परेचर डाउन जाता है मुर्गियों को ऊपर ठंड ना लगे, और जो हमारे पे फार्म पर है जो भी मुर्गियाँ पाली हमने उनको ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। ये दोस्तों रात को बहुत ही ठंड पड़ती है इधर, और सुबह के टाइम जितने भी पत्ते हैं ये देखिए ये ओस से भरे होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो दोस्तों ये मैंने तिरपाल अपने हाइट के हिसाब से ली है, जो ये मेरी हाइट है इसका 8 फुट की ऊंचाई है, इतनी आप देख रहे हैं, ये 8 फुट की ऊंचाई है, और इसकी जो लेंथ है ये मैंने 60 फुट ली है, 60 फुट लंबा मैंने इसलिए बनवाया ताकि मेरा जो फार्म का लेंथ है, जो शेड है मेरी 20x60 की है, तो इतने में मैं इस तरफ को कवर करूंगा, फिर उसके बाद उस तरफ को कवर करूंगा। जो इसको मैंने हाइट हमने कितनी रखनी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये जो गैप है ये 6 फुट का है गैप, जो अंदर का पिलर से लेकर ये ऊपर तक देख रहे हैं, हमने इतनी नहीं रखनी है, इससे ना छोटी रखनी है, हमने इससे 1 फुट लंबी रखनी है। दोस्तों ये मेरी इधर तक आएगी, मैं आपको बांधने के बाद भी दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों इधर तक आएगी हाइट, ताकि ये पूरा कवर हो जाए, वरना क्या होएगा कि कई बार हवा चलती है तो उड़ जाता है,
जो और किसान भाई को किसी को रस्सी से एक्स्ट्रा बांधना है क्रॉस करके, वो भी बांध सकता है, लेकिन मैं नीचे से दोनों तरफ से बांध के दिखाऊंगा आपको, और आसान तरीका है, आपको पसंद आएगा। ये उपाय करना जरूरी है अगर जिसने खुडे में या पिंजरे में कमरे में पाले, उनके लिए जरूरी नहीं है। जो खुले में शेड वगैरह बनाई है वो तिरपाल से ही ढक सकता है, और यही है। और दोस्तों ये मैंने कितने की खरीदी है, ये है 150 रुपये स्क्वायर फीट ली थी मैंने, तो ये मेरे को तकरीबन पड़ी थी 900 रुपये की, ये डोरी डलवा के। ये तिरपाल वाली जगह से मिल जाएगी जहाँ पे ट्रक वगैरह के तिरपाल मिलते हैं आपके एरिया में, नज़दीकी आसपास जो स्टोर होएगा तिरपाल का वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों अपने हाइट, एक बात का ध्यान रखना है, हाइट का नाप के जाना है आपको कितनी हाइट की लेनी है। जैसे मेरा 6 फुट का ये गैप है, टोटल ये 8 फुट है, तो मैं 7 फुट लेके इसको नीचे तक लटका दूंगा ताकि हवा चलने पर ये उड़ ना जाए ऊपर की तरफ उड़ ना जाए या फट ना जाए। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी ऐसी है कि 2 साल चल जाता है अगर ध्यान से रखेंगे, उतना में बहुत है। ये 900 रुपये का लिया मैंने, चलिए इसको बांध के दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह बांधा है, ये तकरीबन 15 मिनट लगे इसको बांधने में और अकेले ने बांधा है मैंने। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाली रस्सी, इसको मैं नीचे बांध दूंगा इधर की तरफ से, या पत्थर लगा के इधर नीचे रख दूंगा। तो अगर आपने रखना है तो कोई सपोर्ट से इसको दबा भी सकते हैं, या नीचे एक ड्रिल मार के लॉक जो वाला हुक होता है जो ऐसे वाला, उसमें टाइट करके बांध सकते हैं। और इसी तरह 10-10, 5-5 फुट पे दे के आप उसके साथ छेद करके और रस्सी से टाइट कर सकते हैं, या आपको लोहे की तार से करना हो लोहे की तार से कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, रात के वक्त जो हवा चलती है ठंडी, वो मुर्गियों को तंग नहीं करेगी, और जो बीमार होने के चांसेस हैं मुर्गियों को ठंड में, उसके चांसेस को बिल्कुल ही कम कर देगी, और जो हमारे बीमारियाँ हवा के थ्रू आती है वो भी कम कर देगी। इससे अंदर टेम्परेचर बना रहेगा, एक टेम्परेचर रहेगा जिससे मुर्गियों को, या बरसात आ जाती है ठंड के टाइम, वो अंदर एंटर नहीं करेगी और हमारी मुर्गियाँ ठंड और बरसात से बच जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 900 रुपये का लिया है और मैंने तैयार करके अभी बांध दिया है। इसकी दोस्तों हाइट 7 फुट है, ये आप देख सकते हैं, और अभी ये देखिए कई जगह से रह रहा है इसको, मैं अभी इधर तार थी नहीं तो इस तरह मैं तार से टाइट करके बांध दिया है। और अगर आपने धूप जिस दिन लगानी है ज़्यादा करनी है, तो आप नीचे से खोल के इसको जो भी बीट में लगाओगे आप इधर से करके, ऊपर ये जो कोना है उस वाला रस्सी का, इस रस्सी के कोने को आप यहाँ से पकड़ के इस तरह ऊपर बांध सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस कोने पे बांध सकते हैं, या आपके आपके हिसाब से जो भी आपने इंतज़ाम कराएगा। तो ये दोस्तों आप इस तरह अपने फार्म को कवर कर सकते हैं, ये सर्दियों में सबसे पहले करने वाला है, उसके बाद जो भी खाने पीने में
और इसकी शेड के ऊपर भूस वगैरह, पल्ली वगैरह, तिरपाल वगैरह रख के ढक सकते हैं ताकि ठंड डायरेक्ट ना नीचे ट्रांसफ़र हो और मुर्गियों को बीमारी ना हो ठंड से रिलेटेड जो भी होती है सीआरडी वगैरह, और जिससे कि अंडे की कमी भी हो सकती है और मांस में के उत्पादन में भी कमी गिरावट आ सकती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमने ये उपाय करना है सबसे पहले, और इसके बाद जो जो हमने गर्मियों में क्या क्या उपाय करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा उससे पहले। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इसी तरह से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो मैं आपके आप सभी के लिए लेके आता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।